गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी 2019 का जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं वो कब होगा, किस महीने में होगा, और जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है उसकी लिंक जो है वो कब तक आएगी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड, अगर आप आरआरबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और फ्रेंड देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी पे न्यू हैं, तो एक जो है सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, ये तीनों चीज़ें जो रहेंगी वो आपका मिक्सअप रहेंगी एक वीडियो में, ठीक है। तो फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट नए हैं जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल का आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो आरआरबी और एसएससी दोनों एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वो वीडियो। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करेंगे वीडियो। आपको कुछ इस प्रकार का स्टेटस दिख रहा था, मैं स्टेटस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट हैं बहुत बार पूछ रहे हैं स्टेटस के लिए, तो आप कुछ लोगों में से भी ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी जो स्टेटस है इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा। ये तीनों तरह का स्टेटस मैंने दिखा दिया है, ठीक है, किसी का डुप्लीकेशन की तरह वजह से, किसी का साइन की तरह की वजह से, और किसी का जो है फोटो की वजह से, और जिसका नहीं है, जिसका प्रूफ है वो इस प्रकार दिखेगा, ठीक है, ओके। और किसी किसी को मैसेज आया हुआ है, ओके। और अब बात करने वाले हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। तो फ्रेंड, एक पेपर में न्यूज़ आई हुई है, ग्रुप डी की परीक्षा 15 सितंबर से होगी। आप ये मत सोचिएगा कि ये जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 का है, नहीं, ये अभी का एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है। अब बोला है पटना का एक जो है न्यूज़पेपर है, बोला गया रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 15 सितंबर के बाद होगी, ठीक है, यानी कि अगस्त और सितंबर का आधा मंथ की बात कर सकते हैं, मतलब कि एक डेढ़ 45 दिन की बात करें। इसके लिए जल्दी आरआरबी की ओर से सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। अभी आरआरबी ने ग्रुप डी के आवेदन करने के लिए परीक्षार्थियों का स्टेटस वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। परीक्षार्थियों का फॉर्म किन कारणों से निरस्त किया गया इसकी सूचना भी दे दी गई है। परीक्षार्थी आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन निरस्त होने के कारण जान सकती हैं। इसके लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। इसके ग्रुप डी ने 1,05,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन किया गया है, ओके, कितने भाई, 1,05,000, ठीक है। इसमें देश भर के 20 लाख के आसपास परीक्षार्थियों ने आवेदन दिया, ओके। यह परीक्षा 1 माह तक चलेगी। इसमें परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए एक दिन में 2 से 3 चरण हो सकते हैं, मतलब 2 से 3 शिफ्ट होंगी, 3 शिफ्ट होगी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने बताई आपको, ठीक है, हमारे माध्यम से, ओके। ये थोड़ा सा मैंने स्क्रीन को बड़ा कर दिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर देखिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको मैंने पहले ही बताया है कि जिसका स्टेटस पहले आया हुआ, जिसकी जो है इन्फॉर्मेशन हमें पहले दिख रही है, वो एग्ज़ाम पहले होगा, ओके। चांसेस हैं 90%, ठीक है, आरआरसी ग्रुप डी के, लेकिन यहाँ पर अगर आरआरबी भी और तुझी दिखाता है तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी का भी हो सकता है, लेकिन 90% चांसेस हैं आपके ग्रुप डी के। जितने भी जो भी स्टूडेंट थे बैठे हुए थे भाई, ग्रुप डी के स्टूडेंट्स से वो बैठे हुए थे कि भाई आप जो है पढ़ेंगे, लेकिन अब पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन फ्री स्टडी की जो वेबसाइट जो आपका चैनल, से जाकर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, देन बेल का आइकन जल्द दबाइएगा, क्योंकि जो स्क्रीन पर चल रहा है आपको क्वेश्चन जो है वो TCS पैटर्न पर है आधारित। ये MCQs है, मैं फैक्ट भी कराऊँगा, MCQs भी कराऊँगा और डेली क्यूज भी होगा। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, देन बेल का आइकन जल्द दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।